गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले मैं आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का वीडियो डाल चुका हूं। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब यानी क्रिया क्या है। आज का हमारा टॉपिक है द वर्ब यानी क्रिया क्या है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक वेरी सिंपल डेफिनेशन, द वर्ड बाय व्हिच एनी एक्शन इज टू बी डन इज कॉल्ड अ वर्ब। क्या होता है, द वर्ड बाय व्हिच एनी एक्शन इज टू बी डन इज कॉल्ड अ वर्ब। यानी आप बोल सकते हैं जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे मैंने लिखा ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब ऐसा सेंटेंस तो हम लिख देते हैं, सेंटेंस हमारे सामने भी आ जाता, लेकिन हम जान नहीं पाते इसमें क्रिया होए कौन, क्रिया है क्या ये मुझे पता ही नहीं चल पाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। जैसा कि मैंने पहले आपको डेफिनेशन में बता दिया कि द वर्ड बाय व्हिच एनी एक्शन इज टू बी डन इज कॉल्ड अ वर्ब। यानी जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। सपोज दैट, आप बताइए इस वाक्य में कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, अब ये जान ही नहीं पा रहे कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में आया ना। सपोज दैट मैंने एक दिन आपके घर पहुंच गया, मैंने आपसे पापा से पूछा कि वह है कहां, वह है कहां। तो आपने आपके पापा ने क्या जवाब दिया, वह करता है। क्या कहे, वह करता है। तुरंत मैं क्वेश्चन करूंगा क्या करता है, मतमी दिन भर खाली टहलता है कुछ नहीं करता है। तो कहेंगे नहीं नहीं वह करता है, क्या करता है। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, लिखता है। क्या जवाब दिया, लिखता है। मैं पूछा क्या करता है, तो उन्होंने कहा लिखता है। तो लिखता है तो यानी राइट्स, यही हो गया आपका क्या, वर्ब हो गया। समझ में आया ना। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि मोहन रीड्स ए बुक, मोहन एक किताब पढ़ता है, मोहन एक किताब पढ़ता है। फिर वही बात आई, अगर आपको नहीं पहचान में आ रहा है कि इसमें वर्ब क्या है, हमको जानते ही नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वर्ब है क्या इसमें, तो घबराइए मत, बस वही बात फिर आ गई। फिर मैं मोहन के पापा से मिला, किसके मिला, मोहन के पापा से। मैंने कहा मोहन क्या करता है, मोहन क्या करता है। तो उन्होंने कहा वह पढ़ता है। क्या करता है, पढ़ता है। और पढ़ना का अंग्रेजी हो गई रीड्स, और रीड्स हो गया क्या, वर्ब। क्या हो गया, वर्ब। समझ में आ गया। सी प्लेस, सी प्लेस। फिर नेक्स्ट डे मैं पहुंच गया कहां, उसके घर, यानी मान लिया किसी का नाम है सीता, सीता के घर मैं पहुंच गया। मैं पूछा वह क्या करती है, वहां क्या करती है। मैंने पूछा वह क्या करती है, तो जवाब मिला क्या, वह खेलती है। वह क्या करती है, खेलती है। तो खेलती है यही वो काम की, तो इसमें हो गया प्लेस क्या, वर्ब। समझ में आया। मैंने यही कहा कि द वर्ड बाय व्हिच एनी एक्शन इज टू बी डन इज कॉल्ड वर्ब। यानी जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाए वही क्रिया कहलाता है। यहां मैंने बताया राइट्स, यहां रीड्स, यहां प्लेस। अब यहां अगर आप नहीं समझ पा रहे कौन काम हुआ कौन काम नहीं हुआ ये हम जान ही नहीं पा रहे, तो घबराइए मत, आपको बस प्रश्न केवल करना है क्या करता है या फिर क्या करती है या क्या करते हैं, यही प्रश्न ही करना है। क्या करता है, क्या करती है, क्या करते हैं, जो उत्तर मिला वही हुआ वर्ब। जैसे मैंने कहा ही राइट्स ए लेटर, वह क्या करता है, वह पढ़ता, वह लिखता है। क्या करता है, वह लिखता है। तो राइट्स हो गया, मोहन रीड्स अ बुक, वह क्या करता है, वह पढ़ता है। तो रीड्स हो गया वर्ब, वह क्या करती है, वह खेलती है। तो खेलना इसमें क्या हो गया, वर्ब हो गया।
तो मैं जहां तक आशा करता हूं कि आप लोग को वह वर्ब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। सो थैंक यू, थैंक यू।